ये है मोती की खेती यानी पर्ल फार्मिंग। सीप को पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर पानी में जरूरी दवाइयां डालकर 20% ऑक्सीजन बरकरार रखकर क्रिटिकल केयर यूनिट फर्स्ट में रखा जाता है। फिर मोती तैयार करने के लिए जिंक ऑक्साइड और सीप की ऊपरी सतह के पाउडर को एरल्डाइट के साथ मिलाया जाता है और इससे बनी गोली सर्जिकल स्टैंड के सहारे कुछ इस तरह सीप के अंदर डाली जाती है। इसके बाद सीप में डले मोतियों के साथ उसको क्रिटिकल केयर यूनिट 2 में रखा जाता है। उसके बाद अभी हम ले जाएंगे अलग अलग चैम्बर। हमारे गलतियों को मैंने महसूस किया और उस गलतियों को सुधार करके 15-16 के बाद हमारा काफी अच्छा बिजनेस हुआ, जो 80-85 लाख से अब करोड़ों रुपए के बीच में कमा रहा हूं और 200 से ज्यादा लोगों को मैं वो ट्रेनिंग दिया हूं भारत भर में। इस शीप से 3 तरीके की मोती तैयार होती है। पहला होता है डिजाइन पर्ल, जिसकी कीमत करीब 300 रुपए के आसपास होती है। दूसरा होता है राउंड पर्ल, जिसकी कीमत 600 रुपए रखती होती है। और तीसरा होता है मेंटल टिश्यू ग्राफ्ट, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से लेके 60-70 हजार रुपए तक हो सकती है। अलग अलग तीनों तरह की मोती तैयार होने में 8 से 25 महीने का वक्त लगता है। फिर सर्जिकल औजार के सहारे होती है सीप की सर्जरी और महीनों की मेहनत कुछ इस तरह मोतियों के तौर पर मिलती है। अब हम इसमें मोती बना है कि नहीं बना है तो इसको मरना पड़ेगा। हाँ, इसको मरना पड़ेगा। किताब भी मैंने लिखा है और उनकी 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सभी प्रकार की जो टेक्निकल सेक्शन है, सभी टेक्निकल सेक्शनों को सिखाया जाता है। सिखाने के बाद में उसे 1 ईयर का गोद लिया जाता है, क्योंकि मोती निकालने तक उसे कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। और सभी किसानों को मैं ये कहता हूँ, आपका प्रतिदिन की खर्चा 100 रुपये है तो आप 50 रुपये खर्च कीजिए और 50 रुपये बचाइए तो 1500 रुपये आपकी बनती है और उसी 1500 रुपये से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जो कि मैंने किया है। बुधन बताते हैं कि मोती की खेती छोटे से कमरे से की जा सकती है, पर खास तौर पर ख्याल साफ पानी, उचित तापमान और कुछ दवाइयों को लेकर रखना जरूरी है। साथ झारखंड सरकार का है, जिसके दम पर बुधन जरूरतमंदों को इस विधा में ट्रेंड करके उनकी जिंदगी में मोती की चमक बिखेर रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।